दोस्तों, रामायण की लगभग सभी कथाओं से हम सब परिचित हैं, लेकिन इस महाकाव्य में कई ऐसे राज छिपे हुए हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। आज के इस वीडियो में हम आपको रामायण से जुड़े 10 ऐसे ही रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और आपको बताते हैं रामायण के 10 चौंका देने वाले रहस्य। पहला, भगवान राम के जन्म से कई साल पहले ही रामायण लिखी जा चुकी थी। रामायण महाकाव्य की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। इस काव्य में 24,000 श्लोक है, 500 उपखंड और उत्तर सहित 7 कांड है। दूसरा, वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनरावास नक्षत्र में कर्क लग्न में हुआ था। उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में विद्यमान थे और लग्न में चंद्रमा के साथ गुरु भी विद्यमान थे। यह ग्रहों की सबसे उत्तम दशा है। इस घड़ी में जन्मा बालक अलौकिक होता है। तीसरा, जिस समय भगवान श्री राम वनवास गए उस समय उनकी आयु लगभग 27 वर्ष थी और देवी सीता की आयु मात्र 18 वर्ष। इस बात का उल्लेख स्वयं वाल्मीकि रामायण में पाया जाता है। राजा दशरथ श्री राम को वनवास नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन वे वचनबद्ध थे। जब उन्हें श्री राम को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं सूझा तो उन्होंने श्री राम को यह तक कह दिया कि तुम मुझे बंदी बनाकर स्वयं राजा बन जाओ। चौथा, वाल्मीकि रामायण के अनुसार समुद्र पर पुल बनाने में मात्र 5 दिन लगे थे। पहले दिन में वानरों ने 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन और पांचवें दिन 23 योजन पुल बनाया था। इस प्रकार कुल 100 योजन का पुल समुद्र पर बांधा गया। यह पुल 10 योजन चौड़ा था। एक योजन में लगभग 13 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई होती है। पांचवा, सभी जानते हैं कि लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा के नाक काटे जाने से क्रोधित होकर ही रावण ने माता सीता का हरण किया था, लेकिन स्वयं शूर्पणखा ने ही रावण के सर्वनाश होने का श्राप दिया था, क्योंकि रावण ने अपनी ही बहन शूर्पणखा के पति विद्युत जिह्वा का वध कर दिया था। तब शूर्पणखा ने मन ही मन रावण को श्राप दिया था कि मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। छठा, कहते हैं कि जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई तब वे एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जा रहे थे, तब उनकी नजर शनि देव पर पड़ गई। वे एक कोठरी में बंधे हुए थे। हनुमान जी ने उन्हें बंधन से मुक्त किया। बंधन से मुक्त होने पर शनि देव ने हनुमान जी के बल और बुद्धि की परीक्षा ली और उन्हें इस बात का यकीन हो गया कि ये सचमुच भगवान श्री रामचंद्र के दूत हनुमान जी है। तब उन्होंने हनुमान जी को ये वचन दिया कि इस पृथ्वी पर जो भी आपका भक्त होगा मैं उसे सभी कष्टों से दूर रखूंगा और उस व्यक्ति को कभी कोई कष्ट नहीं दूंगा। इसी कारण से हनुमान मंदिर में शनिवार को पूजा की जाती है और हनुमान चालीसा भी पढ़ी जाती है। सातवां, जब खर और दूषण मारे गए तब एक दिन भगवान श्री रामचंद्र ने देवी सीता जी से कहा कि प्रिये, अब मैं अपनी लीला शुरू करने वाला हूँ। खर दूषण मारे गए। शूर्पणखा जब ये समाचार लेकर लंका जाएगी तो रावण आमने सामने की लड़ाई नहीं करेगा बल्कि कोई न कोई चाल चलेगा। अब मुझे इन दुष्टों को खत्म करना ही होगा। जब तक मैं सभी राक्षसों को इस पृथ्वी से ना मिटा दूं, तब तक तुम अग्नि में सुरक्षित रहना। भगवान श्री राम ने ऐसा कहते हुए अग्नि प्रज्वलित की और माता सीता ने श्री राम की आज्ञा से अग्नि में प्रवेश कर दिया। माता सीता जी के स्थान पर ब्रह्मा जी ने सीता जी के प्रतिबिंब को सीता जी की जगह पर बैठा दिया। आठवां, रावण जिस माता सीता का हरण करके लेके गया वह माता सीता का केवल प्रतिबिंब था और लौटने पर राम जी यह पुष्टि करना चाहते थे कि कहीं रावण ने उस प्रतिबिंब को बदल तो नहीं दिया,
इसलिए उन्होंने माता सीता से पुनः अग्नि में प्रवेश करने के लिए आग्रह किया। जब माता सीता अग्नि के घेरे में प्रवेश करी तो उन्होंने अपने प्रतिबिंब को पाकर अपनी ध्यान मुद्रा से बाहर निकली और बाहर निकलकर प्रभु श्री राम से मिल गई। नवा, आधुनिक काल में हम जैसे वानर देखते हैं, भगवान हनुमान वैसे बिल्कुल नहीं थे। कहा जाता है कि पहले के समय में कपि नामक एक वानरों की जाति हुआ करती थी। हनुमान जी उसी जाति के ब्राह्मण थे। एक शोधकर्ता ने बताया कि भारतवर्ष में आज से लगभग 9-10 साल पहले वानरों की ऐसी जाति विद्यमान थी जो आज से लगभग 15,000 साल पहले विलुप्त होने लगी। इस वानर जाति का नाम कपि था। इस वानर जाति के लोगों का शरीर और मुख तो मानव के समान होता था, लेकिन उनमें बंदर के समान पूंछ हुआ करती थी। भारत में दुर्भाग्यवश कपि प्रजाति समाप्त हो गई, लेकिन कहा जाता है कि इंडोनेशिया के बाली नामक द्वीप में आज भी कुछ पूंछधारी जंगली मनुष्यों का अस्तित्व देखा जा सकता है। दसवां, विश्व में रामायण का वाचन करने वाले पहले वाचक और कोई नहीं बल्कि भगवान श्री राम के पुत्र लव और कुश थे। उन्होंने राम कथा स्वयं अपने पिता श्री राम के आगे कही थी। पहली राम कथा पूरी करने के बाद लव और कुश ने यह भी कहा था कि हे पितु, भाग्य हमारे जागे, राम कथा कही राम के आगे। तो दोस्तों, ये थे रामायण के 10 ऐसे रहस्य जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। इन रहस्यों को जानकर हम सभी के मन में रामायण के लिए श्रद्धा और उसके लिए विश्वास और भी अधिक बढ़ गया होगा। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि रामायण से जुड़े ये रोचक तथ्य आपको पसंद आए होंगे। धर्म और ग्रंथों की ऐसी ही जानकारियां पाते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।